टॉपिक पे, तो मैं जैसे कि मुंबई की अपॉइंटमेंट है 506 दिन की, लगभग इसके आसपास की मिल रही है, अप डाउन भी हो सकती है जैसा कि मैंने आपको बताया है। पर दिल्ली की 137 डेज चल रही है लगभग साल के आसपास की, आपको इजीली मिल जाएगी। फिर भी कई बार होता है कईयों का जल्दी आना होता है पर्पस, जैसे कि हमने पहले ही बताया था कि जल्दी आना होता है, कैसे पढ़ मिलेगी क्या होता है। कुछ लोग होते हैं इस चीज़ पे काम भी करते हैं जो आपको हेल्प करते हैं कि आपको अगली अपॉइंटमेंट मिल जाए, उसके लिए वो इतनी ईजी नहीं होती अपॉइंटमेंट मिलनी, वो इस चीज़ पे काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं तो जाकर वो आपको अपॉइंटमेंट दिलाते हैं, इसलिए वो इस चीज़ का चार्ज भी करते हैं। और अगर आपको इमरजेंसी में अगर जाना है या 3-4 महीने के अंदर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए 4-5 महीने की, तो आप देख सकते हो अगर आपको कोई अर्ली अपॉइंटमेंट दिला रहा है तो कई दिलाते भी हैं, तो बच के भी रहना है। कुछ लोग क्या होता है फ्रॉड भी होते हैं, मुझे कईयों के मैसेज आए थे कि हमने किसी को अपनी आईडी दी थी कि अपॉइंटमेंट अर्ली मिल जाएगी हमें, तो क्या हुआ उन्होंने पासवर्ड वगैरह चेंज कर दिया, उसके बाद दोबारा आईडी लॉगिन नहीं हुई। तो ये भी आप थोड़ा ध्यान रखना, अगर आप किसी से करवा रहे हो तो भाई ट्रस्टेड बंदे से ही करवाओ जिसे आप जानते हो, है ना, पब्लिक में आप जानते हो। ऐसा भी इंस्टाग्राम पे भी बड़े स्कैम चलते हैं, फेक इंस्टाग्राम के आईडी बना के फेक व्यू होते हैं उनके, तो भाई वो ऐसे फेक काम करते हैं, पैसे लेते हैं और बाद को वो और पैसे भी मांगते हैं, भाई आप पैसे नहीं दोगे तो आपकी आईडी मैं ख़राब कर दूंगा, ब्लॉक कर दूंगा। तो इस चक्कर में भाई बच के रहो, अगर आप करवा रहे हो तो कभी अच्छे बंदे से, ट्रस्टेड बंदे से ही करवाओ काम ये, तो क्योंकि कुछ लोग अच्छे भी हैं जो काम करते हैं बट बुरे लोगों की वजह से भाई उनका भी रेपुटेशन ख़राब हो जाती है। तो ये सिंपल सा वे है अपार्टमेंट मिलने का, कोशिश करो कि दिल्ली के लो, बाकी अच्छे से इंटरव्यू की तैयारी करो आप, डॉक्यूमेंट फाइनेंशियली स्ट्रांग लगाओ, फंड्स ज़्यादा से ज़्यादा शो करो, कॉन्फिडेंट होकर इंटरव्यू दो, आपका भी जा जाएगा। तो भाई कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, तो भाई मैंने बहुत इन्जॉय किया तो मुझे आपका कल, तो मिलते हैं अगली वीडियो में भाई, तब तक थैंक यू सो मच।